एनडीए बुरे तरीका से हर सीट पर लूज कर रही है। क्या साहब इनको इलाज की ज़रूरत है या उनके मानसिक स्थिति के बारे में? तो मिश्रा जी उन्हीं बातों को दोहराने का काम किया है कि इस बार चुनाव जो है जनता वर्सेस सरकार है जी। कुर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, मैं वेद सिंह। अभी लोकसभा चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव के माहौल में आरोप प्रतिरोप लगाने का जो मामला है वो दिन प्रतिदिन हमें नज़र आता है। तो इस बीच अगर बात की जाए मीशा भारती की, मीशा भारती के द्वारा आज मुख्यमंत्री के ऊपर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वो थोड़े मानसिक मतलब बीमार नज़र आ रहे हैं, उन्हें उपचार की ज़रूरत है। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी। क्या लगता है चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में बयानबाजियां तो काफ़ी तेज़ होते हुए नज़र आती हैं, आज मीशा भारती जो हैं वो सीएम नीतीश कुमार जी के बारे में, उनके मानसिकता के बारे में कह दिया, ऐसा क्यों? देखिए, मीशा जी कोई नई बात नहीं कही है जी। जो भाजपा के अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जो पहले कहा था, जीतनराम मांझी जी ने जो कहा था, उसी बात को केवल उन्होंने उनके द्वारा रिपीट किया गया है जी। सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा था, जितना मांझी जी ने क्या कहा था, भाजपा के अन्य नेता लोग क्या बोले थे, खुद जो उनको राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग जो हैं भाजपा के, वो लोग भी क्या बोलते थे नीतीश जी के बारे में। अमित शाह जी भी आए थे इसके पहले, तो उन्होंने क्या बोला था यहाँ पर। तो इसलिए मीशा जी जो बोले हैं उसी संदर्भ में बोले हैं, चूँकि पहले वो लोग जो बोल चुका है क्या साहब इनको इलाज की ज़रूरत है या उनके मानसिक स्थिति के बारे में, तो मिश्रा जी उन्हीं बातों को दोहराने का काम किया है केवल जी। हाँ जी, चलिए, दोनों तरफ से जो पार्टियां हैं, जो गठबंधन है, वो 40 की 40 सीटों पे मतलब अपना दावेदारी पेश कर रही हैं। एक तरफ महागठबंधन जो है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में 40 की 40 सीट महागठबंधन जीत रही है, वहीं अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एनडीए से संतोष सुमन मांझी ने एक बड़ा बयान दे दिया है, उन्होंने कहा है कि इस बार 4 सीट भी नहीं मिलेगा महागठबंधन को, 40 की बात कैसे कर रहे हैं? देखिए, सवाल है कि वो जो सो अंत अंत तक हारते हारते हुए भी जो है ना, जो हारने वाला है वो यही बात दूर आता है, लेकिन जो स्थिति है सब सामने में है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो अभी दो चरण का चुनाव हुआ जी, और उसमें जो फीडबैक आया, हम नहीं कर रहे हैं, पत्रकार लोगों का भी जो फीलिंग रहा है, सब लोग ने यह महसूस किया है कि साहब एनडीए बुरे तरीका से हर सीट पर लूज कर रही है जी। तो यह जो है सो अब कहने के लिए, अब संतोष माझी जी अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा देने के लिए या आत्मसंतुष्टि के लिए भले ही बोले, लेकिन जो स्थिति है अब तो स्पष्ट रूप से एक तरफ जनता है, दूसरे तरफ जो है सो एनडीए है और एक केंद्र की सरकार है। तो इस बार चुनाव जो है जनता वर्सेस सरकार है जी। तो जनता खड़ी है इसमें, सरकार को बदलने के मूड में है, जो वोटिंग पैटर्न रहा है वह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है, और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जात पात से ऊपर उठकर, धर्म मजहब से ऊपर उठकर, सारे बंधन को तोड़कर लोग इसको जो है सो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो है सो अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। नौजवान जो है सो वह चाहता है कि हाँ साहब उसको ऐसी सरकार चाहिए जो उसको नौकरी दे, जो उसको रोजगार के बारे में सोच सके। महिलाएं सोच रही है कि भाई ऐसी सरकार चाहिए जो कि उसको महंगाई कम कर सके, जो गैस का कीमत कम कर सके, जो उसके बारे में जो जिसकी चिंता हो, जो उसके बारे में सोच रखता हो। तो हर लोग, किसान देख रहा है कि भाई किसकी सरकार बनेगी जो हमारे हित की बात करेगी, जो हमको आय बढ़ाने की बात हो, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उस पर काम करेगी। और वह देख चुकी है 10 साल से, इन लोगों को देख रही है कि केवल जो है सो झूठ बोलने के अलावा कुछ रहा नहीं, जो कुछ भी वादे इन लोगों के द्वारा किया गया सारे वादे जो जुमले साबित हुए। दूसरी तरफ जनता बिहार की देख रही है कि 17 महीने के शासनकाल में आदरणीय तेजस्वी जी ने जी जंग से जो वादे किए, उस वादे पर खड़ा उतरने का काम उन्होंने किया। एक विश्वसनीयता जो होती है आदमी की बहुत बड़ी होती है, तो जो सो एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेताओं की विश्वसनीयता है जनता के बीच में, और जनता के बारे में जो कुछ भी
वादे किए गए हैं उनको भरोसा है कि हाँ साहब यह वादा पूरा होगा, लेकिन दूसरी तरफ वे लोग हैं जो केवल 10 साल तक जुमलेबाजी करते रहे हैं, चाहे वो अब केंद्र की सरकार हो या जो बिहार की सरकार हो। तो इसलिए जनता इस बार स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़ी है। अब संतोष मांझी जी बोल रहे हैं, आत्मसंतुष्टि के लिए बोलना उनके लिए मजबूरी है, और उसके बाद जो है सो कार्यकर्ताओं को, नहीं तो अभी दो ही चरण हुआ है, सब कार्यकर्ता भाग जाएगा जो स्थिति है। और हमको लगता है कि एक आध चरण आते जाते फिर जो है सो कहीं दिखाई लोग नहीं पड़ेगा, एनडीए के लोग कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। चलिए ये तो होगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे सवाल किया था कि मीसा भारती ने नीतीश कुमार जी पे कटाक्ष किए, अब तो मीसा भारती तो की ही थी, अब राबड़ी देवी की तरफ से भी एक जो कटाक्ष है उनके ऊपर किया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे, कि वो महिलाओं के मतलब कपड़े के अंदर ना झाँके और मतलब मुद्दों पे बातें करें, क्या पहनती क्या नहीं पहनती इस पे ध्यान ना दें, क्या कहेंगे? नहीं तो आदरणीय राबड़ी जी जो बोली हैं वह तो सामने दिखाई पड़ रहा है ना, जिस ढंग से असेंबली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को लेकर जो उनकी टिप्पणियां हुई, या आम सभाओं में अब उस दिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, एक माननीय महिला की तरफ इशारा करके कि पहले सब लोग नंगे रहते थे, कपड़ा कोई पहनता था जी, अब न कपड़ा पहनने लगा, तो इतनी भद्दी भद्दी बातें अगर महिलाओं के बारे में राज्य का सूबे का मुखिया अगर बोले तो इससे बड़ा शर्म की बात और क्या हो सकती है। माने उस सभा में महिलाएं जो है सो जब बात सुनती है मुख्यमंत्री जी का तो जो है सो आंचल में मुंह छुपा लेती है, शर्माती है कि हाँ साहब क्या है। तो जो राबड़ी जी ने वही कहा है कि भाई जो है सो आप बात कीजिए ना, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलते हैं, महंगाई पर क्यों नहीं बोलते हैं, आपने क्या किया 17 साल में सो क्यों नहीं बताते हैं, केवल जो है सो अब कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है तो जो है सो महिलाओं के बारे में इस ढंग से कमेंट करना जी। तो जो है सो कहीं से भी शोभनीय नहीं माना जाएगा जी। तो यही सवाल जो है वो एनडीए के खेमे से भी हमने किया, तो उनके तरफ से जवाब आया कि 2005 से पहले जो महिलाएं जो खुले में चलने से मतलब डरती थी, असहज खुद को महसूस करती थी, 2005 के बाद से तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सुधार हुआ है, विकास हुआ है, महिलाओं के हित में भी काफ़ी काम हुई है। अब वो जो कहते हैं झूठ बोलने का, तो उन लोगों का जो है सो संस्कार हो गया झूठ बोलने वाला। 2005 के पहले अभी के बात कीजिए ना, 2005 के पहले की बात आप करते हैं, आप NCERB का रिपोर्ट उठा कर देख लीजिए कि जितनी जो है सो बलात्कार की घटनाएँ हुई है NDA सरकार में, बिहार में मैं कह रहा हूँ, आंकड़ा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप NCERB का देख लीजिए, बिहार सरकार का जो गृह विभाग है उसका आप देख लीजिए कि जितने जो सो बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, महिलाओं के साथ जो छेड़खानी हुआ है, यही नहीं इनकम टैक्स गुलंबर पर खुलेआम जो है सो वहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज के बस को रोककर और छात्राओं के साथ जो है सो क्या व्यवहार किया गया, तो जो है सो केवल कह देने से जो है सो नई पीढ़ी को आप जो है सो झूठा परोस रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं, या जो है सो और माने माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जिनके साथ में हैं जी। अभी तो देखे मणिपुर में क्या घटना घटी, अभी जो है सो भाजपा के एक सांसद जिसके पक्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव कैंपेन करने के लिए गए थे, आज तक हमको लगता है कि शायद विश्व में इतनी बड़ी घटना सुनने को अब तक नहीं मिला था। 3000 क्लिप मिला है पेन ड्राइव में है, महिलाओं के साथ जी जंग से, घर की नौकरानी के साथ जी, माने अब इससे भी घटिया कुछ हो सकता है क्या? और उसके साथ गलमहिया बनाए हुए हैं और जो है सो महिला सम्मान की बात करते हैं और महिला बंधन की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए लोगों को महिलाओं पर बोलने के लिए। और 2005 की बात की पहले की बात करते हैं जो है सो माने इतना जो है सो नंगापन बातों में, अपने उनके बातों में नंगापन दिखाई पड़ रहा है जी। महिलाएं जो है सो कपड़े नहीं पहनती थी, क्या माने अस्तर हो गया है इन लोगों के सोच का अब बोलने का, ये महिला पर कमेंट, अरे बहुत सा मुद्दा है उस पर बोलिए ना, घूम फिर कर जो है सो महिलाओं पर क्यों आप लोग जो है सो लगे हुए हैं, हर बात में महिला पर कमेंट, किसी को जो है सो माँ बेटी पर कभी कुछ बोल देते हैं, किसी के जो है सो बहन भाई पर बोल देते हैं, किसी के जो है सो कितना बच्चा हुआ इस पर बोल देते हैं, इस तरह
अति होना चाहिए, एक अपने अगर किसी पद पर है, राजनीति में है, तो एक मर्यादा होनी चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। क्या हो गया पता नहीं इन लोगों को, हर बात में, हर मीटिंग में महिलाओं पर कमेंट, महिलाओं पर छींटाकशी, महिलाओं का चरित्र हनन माने हो रहा है। तो जैसे कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थे आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी, इनका कहना था जिस तरह से मीसा भारती की तरफ से जो नीतीश कुमार जी के ऊपर जो कटाक्ष की गई थी कि उनकी मानसिक मतलब संतुलन थोड़ी सही नहीं है, तो इस पे इन्होंने कहा कि इस बात में ना कि सिर्फ मीसा भारती कह रही हैं बल्कि तमाम जो एनडीए के जो मतलब एनडीए के जो पार्टी में जो मतलब और भी जो लोग हैं उनके द्वारा भी ऐसे चीज़ें मतलब देखने को नज़र आ रही थी। और दूसरी बात की जाए जब महिला के ऊपर जो बातें अभी जो चल रही थी, क्योंकि राबड़ी देवी ने मतलब ऐसा कहा था कि दूसरे के कपड़े में झांकने से अच्छा है कि मुद्दों पे बातें करें, उस पर इन्होंने कहा कि ये बात में सिर्फ बोलने वाला चीज़ नहीं है कि मतलब महिलाओं के लिए मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया, असल मायने में अगर करना है तो करके दिखाएं। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहे भारत लाइव के साथ, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये वो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।